वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में बेसिकली हम लोग नया एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हमने कुछ क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस कर लिया है। बेसिकली मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने लास्ट क्लास में आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ लिया था, उनके डेविएशंस को देख लिया था, है ना। तो कुछ उस पर प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, कुछ जेई एडवांस, कुछ एम्स और कुछ नीट के क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे होगे, कहा है पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। सभी लोग बोर्ड की तरफ देखोगे, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर हो गया, मैं आपको रिवाइज भी कराता हूँ। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन वो हो सकते हैं जिनके डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो हो, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो हो, और फोर्स आफ्टर मिक्सिंग एंड बिफोर मिक्सिंग आपस में क्या हो, इक्वल हो। डेल्टा एस क्या हो, ग्रेटर देन जीरो हो, और डेल्टा जी क्या हो, लेस देन जीरो हो, इनको हम आइडियल बोलते हैं। तो देखोगे यहाँ पे ट्रू बोला गया है, डेल्टा एस जीरो नहीं हो सकता, डेल्टा जी जीरो नहीं हो सकता, ऑल ऑफ दीजिस को अभी हम है ही नहीं है। मीन्स यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू मिक्सिंग होना चाहिए आइडियल के लिए, ट्रू आइडियल के लिए यही है एकमात्र। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखिए बहुत ही जल्दी हम लोगों ने आंसर किया। ये क्वेश्चन 2013 एम्स में पूछा गया है, जिसको हमने आपके सामने यहाँ पे डिस्कस किया है, है ना। कंपटीशन में आप देखोगे कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया है, एन इक्वल सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए सभी लोग बोर्ड की तरफ, कह रहा है एन इक्वल सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कोई इक्वल सॉल्यूशन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, मतलब एसिड को हमने वाटर में डाला है। आप याद करो एग्जांपल्स अपने देखो, हम लोगों ने एक देखा था बेसिकली वाटर और एसिड दोनों की जब हम इंट्रैक्शन कराते हैं तो इसमें क्या होते हैं बेटा, बॉन्ड्स बनते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, मतलब बॉन्ड बनने लगते हैं, रिएक्शंस होने लगती हैं। तो मैंने आपको एक एग्जांपल बनाया था कि जहाँ पे कुछ बॉन्ड बन रहा हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब बॉन्ड बनने के बाद जो सब्सटेंस बनेगा उनमें इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर कम बनेगा, वेपर प्रेशर कम होगा तो राउट लॉ से नेगेटिव डेविएशन को शो करेगा। तो मैंने एग्जांपल बोला था कि वो सब्सटेंसेस जिसमें क्या हो, दोनों में पोलैरिटी नेचर हो, दोनों मिक्स करके एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखेंगे, ये मैंने बताया था। इसके अलावा हमने बताया था कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं जिनको वाटर में डालने पे भी नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, आप याद कर लो। तो मैंने बोला था HClO4, HNO3, HClH2SO4, कुछ एसिड्स हैं जिनको वाटर में डाल दोगे तो ये वाटर के साथ रिएक्शन करके जो सॉल्यूशन बनता है उसका जो डेविएशन होता है नेगेटिव होता है, ये आपको याद रखना है या आप समझ भी सकते हो। तो हम इस क्वेश्चन को सो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, क्या करेगा बेटा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, कहाँ से, राउल्ट लॉ से। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। कौन सा आंसर होगा, बी होगा। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, देख लीजिए सभी लोग ध्यान से, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। ये एम्स 2000 देखोगे 2002 में पूछा गया है क्वेश्चन, ये एम्स का ही क्वेश्चन है, 2002 में पूछा गया है। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि जेई एडवांस 2016 में पूछा गया है। लिखा गया है मिक्सचर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब एक टेम्परेचर दे दिया तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन ने अपने टेम्परेचर को फिक्स कर लिया, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर कर लिया, तो अब हमें प्रॉब्लम नहीं है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम डेविएशन को देख सकते हैं। अब इसने पॉजिटिव डेविएशन बोला है, मैं आपको पॉजिटिव डेविएशन को अगर एक्सप्लेन करूँ तो देखोगे आप लोग सभी लोग बोर्ड की तरफ देखो बेटा, मैं अब इधर रफ कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। हम लोग पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहे थे, है ना। तो पॉजिटिव डेविएशन में बेसिकली हम बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन की, हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन की। तो पॉजिटिव अगर मैं डेविएशन की मैं बात करूं, थोड़ा सा आपको समझना होगा, हमारा ये सॉल्यूशन है, इस तरह का हमने ग्राफ देखा था, ये हमारा इस तरह से एक बनता है, ये हमारा ऐसा होता है, इसको जोड़ने वाली लाइन आइडियल के लिए होती है, और अगर ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा तो कुछ ऐसे ऊपर से जाता है।
अगर मैं इसको वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ बनाऊं, तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब। ये तो हुआ लाइन क्या, राउल्ट्स लॉ हुआ, और अगर इसके ऊपर से जा रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ, मीन्स हम कह सकते हैं वो सॉल्यूशन जिसमें फॉर्म होने के बाद जो फोर्स होगा ए बी वो ग्रेटर देन होगा, क्या होगा बेटा, लेस देन होगा ए ए और बी बी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कैसे समझोगे इसको आप? देखो ए है, याद करो फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन हमने पढ़ा था, ए है और एक बी है, दोनों को मिक्स करके ए बी बनाया। मिक्सिंग के बाद अगर प्रेशर बहुत बढ़ रहा है तो जो सॉल्यूशन फॉर्म हमने किया उसमें फोर्सेस कम हो गए। भाई वेपर प्रेशर बढ़ रहा है मतलब फोर्स क्या हुआ, सॉल्यूशन में कम है। फोर्स कम कब होगा, जब बॉन्ड टूटे या एक में पोलैरिटी हो एक में पोलैरिटी ना हो, दोनों अलग अलग नेचर के हों। बात सुन में आ रही कि नहीं आ रही? तो मैं अब तुमसे एग्जांपल बताऊं। देखोगे CCl4 क्या होता है, नॉन पोलर होता है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और अगर मिथेनॉल की बात करूं तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एच बॉन्ड होता है थोड़ा सा। ये दोनों मिलके क्या करेंगे, ये दोनों मिलके देखो यहाँ पे नॉन पोलर है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो जब दोनों मिक्स होंगे तो इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को ये कम करेगा कि नहीं करेगा? तो आप ऐसे समझोगे कि जब दोनों मिक्स हो जाएंगे तो मिक्स होके क्या करेंगे, वेपर प्रेशर को बढ़ाएंगे। हालांकि मैंने एग्जांपल में ये लिखवा दिया था, आप ऐसे रट लोगे तब भी आंसर आपको मिल जाएगा, लेकिन रटना नहीं है। देखो आइडियल सॉल्यूशन तो आपको पता है, ऑलमोस्ट सेम नेचर के जो सब्सटेंसेस होते हैं उनके बीच में आइडियल बनता है, एनहेप्टेन, एनहेक्जेन, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इस तरह से हमने कुछ एग्जांपल देखा है, बेंजीन, टॉलुइन, बहुत सारे एग्जांपल हमने देखे थे। नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन की हम लोग बात समझ लिए थे। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब राउल्ट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन, मतलब वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो मिक्सिंग के बाद फोर्सेस कम होने चाहिए। मतलब पॉजिटिव डेविएशन के केस में हमने देख बता दिया था कि जहाँ पे फोर्सेस कम हो रहे हो, बॉन्ड टूट रहा हो, वहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन, जहाँ बॉन्ड बन रहा हो वहाँ पे नेगेटिव डेविएशन, यहाँ बॉन्ड टूट रहा है फोर्सेस कम हो रहे हैं। ऐसे देखोगे एसीटोन की मैं बात बताऊँ तो इसमें डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है, जबकि यहाँ पे CH2 में अगर इसको डाल दें, CH2 में अगर एसीटोन को डाल दें तो इसके डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन को ये कम करने लगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? CH2 को अगर एसीटोन में डालोगे तो CH2 एसीटोन में जाके इसके डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन को कम करता है, मीन्स इन दोनों को मिक्स करने से जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें फोर्सेस कम होंगे, फोर्सेस कम होंगे तो ये भी पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। समझ में आ रहा है? मतलब ये दोनों पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। बेंजीन और टॉलुइन आइडियल होता है, आपको मालूम होना चाहिए। फिनॉल और एनिलीन एक एसिड बेस रिएक्शन है। बोलो फिनॉल एंड एनिलीन की मैं एग्जांपल बताया था, फिनॉल एक तरह का एसिड होता है ना, बोलो भाई, और ये क्या होता है, एक एनिलीन एक तरह का बेस होता है, एसिड बेस रिएक्शन है। मतलब एसिड बेस रिएक्शन तो नेगेटिव डेविएशन करेगा, पहली बात। बेंजीन और टॉलुइन आइडियल हो गए, मीन्स इसमें ऊपर के दोनों आंसर क्या हैं, करेक्ट हैं। मतलब ये मल्टीपल चॉइस आंसर था, जेई एडवांस में मोर देन वन आंसर करेक्ट वाले भी क्वेश्चन आते थे, इसलिए इसके आंसर होंगे ए एंड बी। ये सबको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए समझ में आ गया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखते हैं हम लोग, विच कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड बाई एन आइडियल सोल्यूशन। किसी आइडियल सोल्यूशन के द्वारा कौन सा कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता है, ये यहां याद रखोगे, आइडियल और नॉन आइडियल। किसी भी तरह का सोल्यूशन हो, इस सोल्यूशन में डेल्टा एस हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, एंड डेल्टा जी क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो। ये दो बात का ध्यान रखोगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देख लो फटाफट, विच कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाई बाई एन आइडियल सोल्यूशन। डेल्टा एच जीरो सेटिस्फाई नहीं होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग सेटिस्फाई होगा और राउल्ट लॉ फॉलो होना चाहिए, डेल्टा बी मिक्सिंग भी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। मतलब इसके लिए कौन सा ऑप्शन है, बी। नीट 2013 में पूछा गया है इस क्वेश्चन को, देखोगे एन अ सोल्यूशन ऑफ एसीटोन एंड इथेनॉल, एसीटोन एंड इथेनॉल, बताइए क्या करेगा भाई, एसीटोन और इथेनॉल, फिर से आ गया, एसीटोन और इथेनॉल जब दोनों को डालोगे तो ये दोनों मिलके क्या करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन को शो करेंगे। आप अपने एग्जांपल में देख सकते हो, एसीटोन एंड इथेनॉल क्या शो करते हैं बेटा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, ठीक है ना?
बोलिए भाई, एसीटोन में क्या होता है, फोर्सेस होते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, इथेनॉल होता है वो अपने हाइड्रोजन वीक हाइड्रोजन बॉन्ड से होता है, तो दोनों को जब मिलाओगे तो एक दूसरे से फोर्सेस को और कैंसिल करके ये क्या करते हैं बेटा, जो सोल्यूशन बनाएंगे उनको पॉजिटिव डेविएशन कराएंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मींस एसीटोन एंड इथेनॉल क्या शो करेंगे? पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर हो गया? इसका आंसर क्या होगा? सी, मतलब दे आर फाइव क्वेश्चंस जिनको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए, इनको नोट करिए फटाफट। आगे का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक में हम लोग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को डिस्कस करने जा रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ क्या बेटा, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हमें पढ़ना है। तो फटाफट नोट करिए, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, करिए। ठीक है, ये कवर हो गया। अब हम लोग इसी के एप्लीकेशन पार्ट को पढ़ेंगे, इसका एक एप्लीकेशन पार्ट हमें कवर करना है बेटा। थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, आइडियल नॉन आइडियल से भी क्वेश्चंस बनते हैं। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैं कहूं कि एजियोट्रॉप्स की मैं बात करूं क्या होता है, एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब हमें पढ़ना है एजियोट्रॉप्स पढ़ना है, पेशेंस रखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे इधर, एजियोट्रॉप्स क्या हैं, है ना? देखो भाई, मैंने कहा कि एक कंटेनर है ना, इसमें दो लिक्विड ए एंड बी ले लिया है। यहाँ पे मैंने इसको हीट किया, वेपर्स बन गए, ठीक है। इसको हम लोगों ने क्या किया, कंडेंस कर दिया, कंडेंस करके फिर से इसको हमने लिक्विड बना लिया, और लिक्विड बनाने के बाद ए प्लस बी सपोज दोनों हैं, फिर से हमने क्या किया, इसको कंडेंस किया, और कंडेंस करने के बाद फिर से हमने इसको लिक्विड बना लिया, और लिक्विड बनाने के बाद हमने क्या किया, यहाँ फिर से इसको वेपराइज करोगे, यहाँ बबल्स बन जाएंगे, वेपर्स बन जाएंगे, ठीक है। फिर हमने इसको क्या किया, कंडेंस किया यहाँ से, और यहाँ पे कंटेनर मिला दिया, मतलब सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। सपोज मैंने यहाँ पे धीरे 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 यहाँ पे एक हमें रिजल्ट मिला, जहाँ पे एक्स ए की वैल्यू 0.6 था, एक्स बी की वैल्यू 0.4 था, या ऐसे ले लो, ये 0.7 ले लो, ये 0.3 ले लो, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने कहा वाई ए की वैल्यू 0.7 हो गया और वाई बी की वैल्यू 0.3 हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ध्यान से देखना, एक सॉल्यूशन लिया था जिसमें दो वोलेटाइल कंपोनेंट थे, नियरली दोनों के वोलेटाइलिक नेचर में डिफरेंसेस होंगे। एक्सपेरिमेंट हमने करना शुरू किया, हीट किया, वेपर बना, कंडेंस किया, फिर हीट किया, वेपर बना, कंडेंस किया, हीट किया, वेपर बना, कंडेंस किया, कुछ एक यहाँ पे एक मोमेंट हमने मिला, हमें ये वाला मोमेंट अगर हम देखें, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया मोल फ्रैक्शन, तो एक्स ए 0.7, एक्स बी 0.3 आ गया, और वाई ए 0.7 और वाई बी 0.3 आ गया। ये जो मूवमेंट है ना बेटा, इसके बाद अब आप क्या करोगे, फिर से इसको हमने कहा ये वेपर्स बने थे, उनको फिर से ठंडा किया, कंडेंस किया, तो यहाँ पे डिस्टिलेट करोगे ना, फिर से यहाँ पे बनेगा। तो आपको मालूम है अब यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू कितनी होगी, 0.7, एक्स बी की वैल्यू कितना होगा, 0.3, वाई ए की वैल्यू फिर कितना होगा बताइए, वाई ए की वैल्यू 0.7, वाई बी की वैल्यू 0.3। मतलब आपने क्या देखा कि एक बार ऐसा केस आ जाए जब वेपर, ठीक है, एंड सॉल्यूशन कंपोजिशन सेम हो जाए, मतलब एक ऐसा कंडीशन जब लिक्विड वेपर कंपोजिशन क्या हो, सेम हो जाए, लिक्विड वेपर कंपोजिशन। देखो ये लिक्विड है, एक्स एक्स बी कंपोजिशन किस में है, लिक्विड में, और वाई ए वाई बी किस में है, वेपर में। अगर दोनों एक बार इक्वल हो जाएंगे ना, तो आप कुछ भी इनको करते रहो, कुछ भी डिस्टिलेट करो, लेकिन ये इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एजियोट्रॉप्स का मतलब होता है, या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की मैं बात करूं तो लिखोगे क्या होता है,
लिखोगे दो सॉल्यूशन, डेफिनेशन लिखोगे पहले इसको, इसको अगर समझ लिया हो तो मैं हम लोग नोट्स पहले बना लेते हैं, फिर मैं एक एक पॉइंट और क्लियर करूंगा। नोट क्या बनाना है, लिखोगे दोज सॉल्यूशन विच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दोज सॉल्यूशन विच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर is known as azeotropes. ठीक है ना, लिखोगे an azeotropic mixture has same composition in liquid phase as well as in vapor phase। ये बात क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? लिक्विड और वेपर फेज में कंपोजिशन क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो उनको बोलते हैं हम एजियोट्रॉप्स। क्लियर हो गया इस बात को? तो हम लोगों ने समझ लिया ना कि एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, है ना? बोलो बेटा, आगे लिखोगे एंड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कैन नॉट सेपरेट एंड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कैन नॉट सेपरेट By simple or fractional distillation। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या आगे बढ़ना है देखते हैं। हमने क्या कहा कि एक तो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब हम लोगों ने कहा कि इनको सपोज हमने डिस्टिलेशन नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, डिस्टिलेट करके सेपरेट नहीं कर सकते। अगर डिस्टिलेशन करके हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते और अगर हमने इसको डिस्टिलेट करना शुरू किया, हमने कहा सपोज अ एजियो ट्रॉपिक मिक्सचर इज start distillating then following observation takes place, ठीक है ना? ये देखोगे, हमने कहा कि इनको distillation करने पे simple और fractional से इनको separate नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम इनको स्टार्ट करें डिस्टिलेट करना तो दो रिजल्ट मिलेंगे। पहला प्योर ए प्लस एजियो ट्रॉपिक मिक्सचर मिलेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? या दूसरा प्योर बी प्लस एजियो ट्रॉपिक मिक्सचर मिलेगा। ये बड़ी एक सरप्राइजिंग रिजल्ट है कि दोनों सेपरेट नहीं कर सकते, कोई एक ही को मिला, एक ही निकल के बाहर आएगा और उनका एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी मिलेगा। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से नोट करोगे, इन पॉइंट्स को पहले नोट करो, एक एक पॉइंट नोट्स के फॉर्म में लिखो, फटाफट नोट करिए। ठीक है, बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इनको नोट कर लो। अगर हम सपोज अ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर स्टार्ट डिस्टिलेटिंग देन फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन टेक्स प्लेस, पहला क्या,
प्योर ए प्लस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मिलेगा या प्योर बी प्लस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब प्योर ए एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, प्योर बी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मिलेंगे, सेपरेट नहीं हुए। समझ में आ रहा है? सेपरेट नहीं हो रहे हैं, हमने देख लिया कि इनका सेपरेशन नहीं हो रहा है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि इनको आइडेंटिफाई कैसे करोगे? आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे, मतलब इनकी पहचान कैसे करोगे? पहचान की मैं बात करूँ, इनको कैसे पहचानोगे? तो पहला एक होगा कि वेपर एंड लिक्विड कंपोजिशन सेम होंगे, पहली बात। दूसरी बात, दे सो लार्ज डेविएशन, दे सो लार्ज डेविएशन, देख लोगे। ये दूसरी बात आप नोट करोगे इसमें कि इनको आइडेंटिफाई करने का तरीका यही है कि लिक्विड वेपर कंपोजिशन सेम मिलेंगे और लार्ज डेविएशन शो करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो गया, इसको नोट कर लोगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? नोट कर लिया? चलो, नोट कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ूं क्या? अब हमें ध्यान देना है, अब हमें ध्यान देना है। अब हमें ध्यान देना है। मैं कहूं टाइप ऑफ एजियो ट्रॉपिक मिक्सचर की हम लोगों ने बात की, टाइप ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की बात करी। दो तरह होते हैं, एक होता है लिखोगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप पहला, और दूसरा होगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होंगे। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप से क्या मतलब है? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप से क्या मतलब है? लिखोगे इसको, लिखोगे, नोट करो, नोट्स के फॉर्म में लिखना होगा आप लोगों को। नोट करो कि इफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ This mixture is एक boiling point of this mixture is, मैं लिख देता हूँ, if boiling point of this mixture is greater than either any component। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या मतलब है इसका? मतलब क्या है मैं बता रहा हूं। सपोज ए है, थोड़ा सा इसको देखना। इफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस मिक्सचर इज ग्रेटर देन आइदर एनी कंपोनेंट देन इट इज कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर, देन इट इज called maximum boiling point azeotropes। क्या है इसका मतलब समझोगे? हमने कहा A है और B है,
अगर ए का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और बी का बॉइलिंग पॉइंट 95 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है ना, इन दोनों को मिक्स करके ए प्लस बी बनाया गया। और ए प्लस बी जो सॉल्यूशन बना, अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट 110 आ जाता है डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको बोलोगे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। क्या बोलोगे? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। देखो ना, किसी भी एक कंपोनेंट से जो बॉइलिंग पॉइंट हो सॉल्यूशन का, वो क्या हो, ज़्यादा हो जाए। तो देखो, हमने कहा ए है जिसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट, बी है जिसका 95 डिग्री सेंटीग्रेड है। ए एंड बी दोनों को मिक्स करके हम लोगों ने क्या बनाया, एक सॉल्यूशन बनाया जिसका बॉइलिंग पॉइंट हमें 110 दिख रहा है। मींस सॉल्यूशन विच आर फॉर्म बाय मिक्सिंग ए एंड बी हैज हायर बॉइलिंग कंपेयर टू इंडिविजुअल ए एंड बी, मींस इस केस में मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स बनेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट्स एजियोट्रॉप्स की अगर मैं बात करूं, तो लिखोगे इसमें, नेक्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट पे ही हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर मिनिमम को करेंगे। ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? दूसरा पॉइंट अगर मैं कहूं, तो इसमें लिखोगे दोज सॉल्यूशन विच शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ कैन फॉर्म एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कैन फॉर्म एजियोट्रॉपिक मिक्सचर विच बॉइल्स एट मैक्सिमम टेम्परेचर या मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस बात को समझोगे सभी लोग? इन बात को पहले आप लोग सब लोग समझोगे, ठीक है? हमने ये जान लिया कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स वो होते हैं जिनका जो टेम्परेचर होता है वो उनके जो दो कंपोनेंट हम मिला के बनाते हैं उनसे हमेशा ज़्यादा। एक एग्जांपल हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे, कोई ए है जो बी के साथ मिक्स होके कोई ए बी सॉल्यूशन बना रहा है। अगर इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 110 हो जाता है, तो देखोगे 100 और 195 दोनों से ज़्यादा हो गया कि नहीं हो गया? तो इसको बोलेंगे हमें एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दूसरा हमने यहाँ पॉइंट लिखा है कि बेसिकली है क्या, इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, तो एग्जांपल्स में मैंने लिखा है दोज सॉल्यूशन दोज मिक्सचर विच सो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ कैन फॉर्म एजियोट्रॉपिक मैक्सिमम, ठीक है ना? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? एक वो क्या बना सकते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना सकते हैं विच बॉइल्स एट मैक्सिमम टेम्परेचर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? या मैं आपको बताऊं, तो थोड़ा सा आप इसको समझोगे कि जो भी हम लोगों ने सॉल्यूशन, मैंने कहा कि हम लोगों ने एक रिजल्ट ये जान लिया, अगर रिजल्ट की मैं बात करूं तो हमें पता चल गया, या हम एग्जांपल की बात करें तो दोज सॉल्यूशन विच सो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? वो सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट्स लॉ से, इसका क्या मतलब है, हम उनको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप या मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजीओ
वाइब्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा सा समझो इसको। मैंने कहा इधर देखोगे बेटा, हम लोगों ने वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन देखा था, जिसमें नेगेटिव डेविएशन के लिए ऐसे देखोगे आइडियल होगा तो कुछ ऐसा शो करेगा ना, और अगर ये नेगेटिव डेविएशन होगा तो नीचे से चला जाएगा इस तरह से, ये ऐसे चला जाएगा और ये ऐसे चला जाएगा, नीचे आ जाएंगे ना। ये तो आइडियल के लिए हो गए, ये आइडियल के लिए हो गए। तो आपसे मैं बताऊं, देखोगे अगर इस सॉल्यूशन का हम देखें तो सॉल्यूशन के लिए हमें मिला कि नहीं मिला? यही तो मिला बेटा। तो सॉल्यूशन के लिए देखोगे कि अगर वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो एक लिमिट तक कम होगा ना, बोलिए। तो सॉल्यूशन के लिए अगर हम प्लॉट करें तो सिर्फ सॉल्यूशन के लिए हम कहेंगे कि ये हमारा वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड हो गया, और ये हमारा मैंने कहा नेगेटिव के लिए हो गया, नीचे से चला गया। अब नेगेटिव नीचे से गया तो यहाँ पे देखोगे वेपर प्रेशर अगर वाई एक्सिस पे हमने लिया है, एक्स एक्सिस पे अगर हमने मोल फ्रैक्शन लिया है, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर इस सॉल्यूशन का सबसे कम होगा ना। जहाँ पे वेपर प्रेशर सबसे कम होगा वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? अगर यहाँ पे मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ तो आपको मालूम है बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर होता है ना। जहाँ पे वेपर प्रेशर मिनिमम है, यानी कि वेपर प्रेशर अगर मिनिमम है तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा? और ये सॉल्यूशन किसके लिए है? ये सॉल्यूशन है नॉन आइडियल शोइंग नेगेटिव डेविएशन। मींस जो हम लोगों ने एग्जांपल्स लिए हैं वो सारे एग्जांपल्स क्या हैं बेटा? करेक्ट हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट से जो ड्रॉप्स कौन बनाते हैं? वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। नेगेटिव डेविएशन कौन शो करते हैं भाई, आप बताइए। जैसे मैं कहूँ HNO3 प्लस वाटर हो सकता है, दूसरा हम कह सकते हैं HCl प्लस वाटर हो सकता है, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तीसरा मैं कहूँ फिनॉल प्लस एनिलीन हो सकता है, चौथा मैं कहूँ आपसे तो आप देखोगे हम लोग कहे अगर एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म की मैं बात करूँ तो ये भी हो सकता है। मतलब ये सभी सॉल्यूशन कौन सा एजियोट्रॉप बनाएंगे? मैक्सिमम बॉयल्स एजियोट्रॉप्स बनाएंगे। बोलिए भाई ये बात क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोलो ये बात क्लियर हो गया? देख लो ध्यान से सभी लोग। नोट कर लिया? बोलिए ये नोट कर लिया ना? आगे बढ़े, नोट करो सभी लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। आगे हमें क्या देखना है? इसी का दूसरा पार्ट, मिनिमम बॉयल्स लिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉयल्स एजियोट्रॉप्स। अब हमें देखना है बेटा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजीओ ट्रॉप्स या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो ये क्या होगा? लिखोगे इफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस मिक्सचर इज less than either any of component, any of the component, then such type of mixture is called मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। समझ में आ गया? बोलो भाई ये पॉइंट क्लियर करो सभी लोग।
ठीक है ना? बोलो बेटा, मतलब क्या है? अगर कोई ए है, इसका बॉइलिंग पॉइंट हमने कहा 100 डिग्री है, बी है, इसका बॉइलिंग पॉइंट मैंने कहा 98 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इनसे एक हमने सॉल्यूशन बनाया जो कि ए बी की तरह है, अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट 96 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो बोलेंगे ये एजियोट्रॉप है जो कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स फॉर्म कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूसरा पॉइंट लिखोगे, दिस टाइप ऑफ एजियोट्रॉप्स शोन बाई नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। अगर हम बात करें तो ऐसे देखोगे, एक ग्राफिकल फॉर्म में देख लें, आप देखोगे कि ये हमारा आइडियल के लिए है और ये है उस सॉल्यूशन के लिए है जो कि पॉजिटिव डेविएशन को शो कर रहा है। ऊपर से गया वेपर प्रेशर, यहाँ देखोगे वेपर प्रेशर कैसा है बेटा, मैक्सिमम है। तो इस पॉइंट पे अगर मैं कहूँ कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा तो ये मिनिमम होगा कि नहीं होगा, बोलिए भाई। क्यों भाई? वेपर प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट होता है ना। अगर वेपर प्रेशर मैक्सिमम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मीन्स इसके एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए ना। बोलिए, इसके एग्जांपल्स पता है, हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स नोट करके रखे हैं जो सॉल्यूशन क्या करता है बेटा, बोलो, दोनों क्या करते हैं, दोनों जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसको नोट करोगे, एग्जांपल आप वहाँ से चाहो तो इसमें लिख लोगे। क्लियर हो गया? बोलिए, नोट करो इसको सही से, सभी लोग कॉपी में नोट करिए फटाफट।